सो भाई वीडियो पर क्लिक कर दिया भाई, मैं एंड तक देखने के लिए नहीं बोल रहा, बट एंड वाला जो फीचर या फिर पार्ट कह सकते हो वीडियो का, वो ज़रूर देख के जाना, क्योंकि उस पर भाई मैंने बहुत ही ज़बरदस्त आपको एक्सप्लेन करते हुए इस वाले वीडियो का जो सॉफ्टवेयर आपको बताने वाला हूँ उसका एकदम बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। सो अब देखो, आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा जो स्ट्रीमर अपने चैनल पर भाई गेमिंग वीडियोस अपलोड करते हैं उस पर भाई जो वो फेस कैम करते हैं विथ वॉइस ओवर, यहाँ पर फेस कैम का उनका पूरा फेस कैम होता है साइड पर कॉर्नर पर, बहुत ही प्रोफेशनल लगता है। उसी तरह से मान लो मैं यहाँ पर गेमिंग की बात छोड़ देता हूँ, मान लो आप यहाँ पर एडिटिंग कर रहे हो प्रीमियर प्रो पर या फिर फिल्मोरा पर, और आप चाहते हो कि भाई आपके एडिटिंग के साथ आपका फेस एक्सप्रेशन, आप जो भी बात वगैरह कर रहे हो सब कुछ रिकॉर्ड हो और साइड में रहे, तो इस तरह के लिए एक अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर भाई ढूंढना बहुत ही मुश्किल है पीसी या फिर लैपटॉप के लिए। बट ये वाला वीडियो देखते रहो भाई, आप इंप्रेस हो जाओगे ये वाला सॉफ्टवेयर देखने के बाद। चलो मैं आपको अपना खुद का एक डेमो दिखा देता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। अब यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो मैं छोटा एक डेमो दिखा रहा हूँ, जहाँ पर मेरे स्क्रीन पर मैं कुछ कर रहा हूँ और साथ में मेरा यहाँ पर फेस कैम भी रिकॉर्ड हो रहा है। अब यहाँ पर इस फेस कैम को पूरा आप कस्टमाइज कर सकते हो, वीडियो में आपको पता चलेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो भाई अभी यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो इस सॉफ्टवेयर का नाम है हिटपाउ स्क्रीन रिकॉर्डर। इसका भाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, एक ही क्लिक करो इसे भाई इंस्टॉल करो। अब यहाँ पर देख सकते हो भाई रिकॉर्ड करने के लिए तीन ऑप्शन मिलते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड, वेबकैम एंड पिक्चर इन पिक्चर। भाई लास्ट वाला पिक्चर इन पिक्चर जरूर देख के जाओ, बहुत ही जबरदस्त फीचर है। अब देखो आप अपने कर्सर को यहाँ पर रिकॉर्ड करना चाहते हो तो भाई यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको सेटिंग्स नीचे मिल जाते हैं भाई डिफरेंट काइंड ऑफ। अगर मैं यहाँ पर जनरल पर जाऊँ तो भाई यहाँ पर आपको हार्डवेयर एक्सेलरेशन मिल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपना फ्रेम रेट 60 FPS तक भाई रिकॉर्ड कर सकते हो। देन उसके साथ ही साथ यहाँ पर रिसोल्यूशन भाई फुल HD कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इफेक्ट मिल जाते हैं अपने कर्सर का भाई, डिफरेंट कलर देना चाहते हो, अभी फिलहाल मेरा यहाँ पर येलो देख सकते हो। सो इसी तरह के यहाँ पर आपको और भी यहाँ पर चॉइसेस मिल जाते हैं। देखो वेबकैम के साथ यहाँ पर अगर आपका OVS है तो उससे भाई आप अपना वेबकैम रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर इनबिल्ट जो भी आपके पास है उसी से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, फुल HD में होगा कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोफोन भी रिकॉर्ड कर सकते हो, इंटरनल भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। देन उसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप नीचे जाओगे, नीचे आपको मिलता है भाई हॉट की। देखो यहाँ से आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, स्टार्ट पॉज या फिर हाइट के लिए यहाँ पर आपको F10 F9 F8 मिल जाते हैं। बट अभी यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्ड के बारे में। सो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मैं आपको रिकॉर्ड तीनों करके दिखाऊंगा, आप इंप्रेस हो जाओगे। सिंपली क्लिक करोगे यहाँ से इस तरह से भाई ड्रैग करके जितना पार्ट रिकॉर्ड करना चाहते हो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं ऊपर आपको जाके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, स्क्रीनशॉट, पिक्चर इन पिक्चर एंड स्टार्ट का बटन। ठीक है, पिक्चर इन पिक्चर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। अब यहाँ से अगर आप चाहो तो भाई डिसेबल कर सकते हो अपना स्पीकर, साथ ही साथ अगर आप चाहो तो मैं माइक्रोफोन को भी डिसेबल अनेबल कर सकते हो, जो भी चाहो। बट यहाँ पर मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भाई देख सकते हो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है हमारा, और यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत कुछ एक्टिविटीज करता हूँ, लाइक यहाँ पर नोट पैड को ओपन करके मैं कुछ लिख के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, सो सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह के आपको वीडियोज मिलता रहेगा। सो अब यहाँ पर मैं फिलहाल इसे ऑफ कर देता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। अब देख सकते हो हमारा रिकॉर्डिंग भाई हो चुका है, और उसी के साथ यहाँ पर जो आपने रिकॉर्ड किया उसे भाई यहाँ पर इस फ्रेम पर देख सकते हो फुल स्क्रीन पर, और साथ ही साथ अगर आप चाहो तो भाई इसे यहाँ से ट्रिम भी कर सकते हो अपने मुताबिक, यहाँ पर आपको इनबिल्ट ट्रिमर भी मिल जाता है। सो यहाँ से मैं इसे स्किप करता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसे ऑफ करके आपको रिकॉर्ड वेबकैम दिखाता हूँ। सो रिकॉर्ड वेबकैम पर आपको क्या मिलता है, देखो सिंपली यहाँ पर आपका भाई दिखने वाला है। सो यहाँ पर भाई वेबकैम रिकॉर्ड करने के लिए इस पर क्लिक करोगे, अपना वेबकैम सिलेक्ट करोगे, जो वेबकैम आपके लिए बेस्ट है भाई, जिसका क्वालिटी सही है। सो अब भाई देख सकते हो मेरा वेबकैम स्टार्ट हो चुका है, वैसे मेरा वेबकैम का भाई क्वालिटी इतना सही नहीं है, बट हो जाता है, ठीक है, काम चल जाता है। फिलहाल यहाँ से भाई मिरर कर सकते हो, और FPS भाई देखो अपने मुताबिक भाई आपका वेबकैम के मुताबिक यहाँ पर आपको मिल जाएगा 60 FPS, या फिर क्वालिटी रिजोल्यूशन आपके वेबकैम के मुताबिक मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप बाकी सारा कुछ ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर सेटिंग वगैरह। मैं इसे यहाँ पर रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ मेरा जो फिलहाल यहाँ पर वेबकैम चल रहा है। सो इसके लिए क्या करोगे भाई, ऊपर भी आपको सेटिंग्स मिल जाते हैं, यह सारा कुछ चेंज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या फिर डिसेबल वगैरह करना चाहते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं फिलहाल इसे स्टार्ट करके वेबकैम को रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। सो अभी यहाँ पर भाई मैं थोड़ा बाल वगैरह टिक करके देख लेते। सो यहाँ पर देख सकते हो भाई वेबकैम चल रहा है, और यहाँ पर फिलहाल हमारा थोड़ा रिकॉर्डिंग हो चुका है, फिलहाल इसे मैं थोड़ा सेव कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा वेबकैम भी रिकॉर्ड हो चुका है, और इसका भी सेम वही मेथड से आप यहाँ से अगर आप चाहो तो भाई ट्रिम वगैरह भी कर सकते हो बहुत ही आसानी से। सो मैं आपको थोड़ा प्ले करके दिखाता हूँ। सो अब आप देख सकते हो जो भी हमने रिकॉर्ड किया इसका भी क्वालिटी काफ़ी सही स्क्रीन रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड किया है। बट यहाँ पर जो वेबकैम के बाद जो मेन फीचर जो बहुत ही ज़बरदस्त है वो है गाइस पिक्चर इन पिक्चर, और ये सिर्फ और सिर्फ गेमर एडिटर वगैरह के लिए, जो भाई अपने फेस कैम के साथ
अपना ट्यूटोरियल वगैरह गेमिंग वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं। सो ऊपर यहाँ पर जाओगे भाई, सिंपली इस तरह से एरिया सिलेक्ट करोगे, पर नीचे देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे वेबकैम प्लस स्क्रीन। इस पर आप देख सकते हो कि भाई आपके स्क्रीन के साथ, जो आपका स्क्रीन के साथ आपका वेबकैम भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अपने हिसाब से भाई यहाँ पर अपना एंगल भी चेंज कर सकते हो, लाइक सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन या फिर वेबकैम रिकॉर्ड करना चाहते हो, ये सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर मान लो स्क्रीन प्लस वेबकैम को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। अब यहाँ से भाई इसका पोजीशन चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से, आप यहाँ पर देख लो। देन उसके साथ ही साथ अगर आप चाहो भाई उसका साइज को भी एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। ये हर ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डर भाई इस तरह का भाई फीचर नहीं देता, ये आपको यहाँ पर दे देता है। उसके साथ ही साथ भाई इसका वेबकैम का जो मिरर है उसे भी आप एंगल को चेंज कर सकते हो यहाँ से। सो ये सारा चीज़ें प्रोवाइड कर देता है भाई ये वाला सॉफ्टवेयर। सो वन ऑफ द बेस्ट अगर मैं आपको कहूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। सो फिलहाल यहाँ पर वेबकैम के साथ मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसका भी मैंने यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में आपको डेमो दिखा दिया था, थोड़ा यही वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग का डेमो मैंने आपको दिखाया था। सो फिलहाल इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप कर देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे फेस कैम के साथ भाई ये वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्ड हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो अगर आप चाहो तो भाई इस तरह से एक ही क्लिक करके सेव कर सकते हो या फिर ट्रिम वगैरह भी कर सकते हो। सो ओवरऑल भाई किसी भी तरह का लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट है भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए, विद फेस कैम वगैरह जो भी कह लो। सो अगर आपको सॉफ्टवेयर पसंद आया तो भाई डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को भी लाइक कर देना। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।